सिद्धानं नमो 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 आयर्यानं नमो 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 वज्रायानं नमो 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 लोये सौव साहूनं येसो पंच नमोकारो येसो पंच नमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं पढ़मवये मंगलं मंगलानं च सवेसिं पढ़मवये स्वामी की जय घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो शार्प हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि जय बोलो महावीर स्वामी के जय परम सद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना तत्व को ग्रहण करने के बाद आज शुरू करनी अपने को कि तत्व को ग्रहण किया जाता है और ग्रहण करने के पीछे एक सूत्र रहता है दिमाग को बाजू में रखना और श्रद्धा को आगे रखना दिमाग पीछे श्रद्धा आगे दिल आगे दिमाग पीछे जनरली हमारा संसार चलता है दिमाग को आगे और दिल पीछे उसमें बात समझ में आती है लेकिन ग्रहण नहीं होती और दिल आगे होगा तो समझ में नहीं आई तो भी ग्रहण हो जाएगी और परिणाम समझने के नहीं आते परिणाम ग्रहण करने के आते हैं तो आज पहला तत्व अपने पास है तीन प्रकार के तत्व है पहले तीन तत्वों के प्रकार आपके पास गए थे कि नव तत्व देवगुरु धर्म का एक तत्व और षड् द्रव्य अब ग्रहण करने में तीन प्रकार के नव तत्वों में तीन प्रकार के तत्व है
जिन पन्नतम तत्तम, जिन तत्वों को मुझे ग्रहण करना है उनके तीन प्रकार। पहला तत्व है उत्पत्ति, स्थिति और विलय। जवेंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व परमात्मा के पास पहुंचे तो उन्होंने परमात्मा से पूछा, क्या तत्व है, क्या सत्य है, क्या सच्चाई है? पहली बार पूछा क्या सच्चाई है, और परमात्मा ने कहा कि जन्म सत्य है। क्या सत्य है? तो बोले उत्पत्ति सत्य है, जन्म सत्य है, उत्पन्न होना सत्य है, निर्माण करना सत्य है। कोई वस्तु बनाने, कोई अवस्था बनानी, नया निर्माण होता वो सत्य है। वापस पूछा क्या सत्य है, बोले मृत्यु सत्य है। पहले कहा जन्म सत्य, बाद में कहा अब दोनों कैसे है, अपोजिट है। कैसे है? अपोजिट है। किसी को जन्म सत्य कहना और किसी को उसी समय वापस पूछे तो कहना मरण सत्य है। दोनों सत्य कहा, फिर वापस पूछा क्या सत्य है, बोले जीवन सत्य है। ना जन्म सत्य है ना मरण सत्य है, सत्य क्या है, जीवन। द्रव्य युक्तम उत्पन्न होता है, चला जाता है और शाश्वत रहता है। ये तीनों ही स्थितियां अलग नहीं है, एक ही समय में, एक ही सेकंड में। अपने को क्या लगता है, जन्म मरण, आज जन्म है बाद में मरी लाए। जन्म और मरण के बीच में अपन क्या देखते हैं, इको हो रहा है, इसको इको को बंद करने के लिए कहते हैं। जन्म और मरण के बीच में हम जीवन देखते हैं, और परमात्मा कहते हैं जन्म में भी जीवन है, मरण में भी, और जीवन में जन्म भी है और जीवन में मरण भी है। अब ये तीन तत्व तो यदि आपको ग्रहण हो गए, दुख में भी सुख है, सुख में भी दुख है, और दुख में भी जीवन है और सुख में भी, परेशान होंगे? अपने को कहाँ सुख लगता है? जब दुख नहीं रहता सब सुख लगता है। दुख कब लगता है? जब सुख नहीं तब दुख लगता है। और ये तत्व आपको क्या कह रहा है कि सुख में दुख है, दुख में सुख है, और सुख में भी जीवन है और दुख में भी। मैं हूं ना सुखी हूं, मैं दुखी मैं हूं, तो मैं तो सुख में भी हो रहा दुख में भी। ये तीन तत्वों को स्वीकार करते ही गंधर्वों को 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता है। कितना ज्ञान हो जाता है? 14 पूरा ज्ञान हो गया उनको, कि उनके पास गंधर्व लब्धि होती है, एक विशिष्ट शक्ति होती है, जिस शक्ति के कारण से ये तीन उत्तर सुनते ही अपने को कंफ्यूज होता है। सवाल एक और जवाब, तो कंफ्यूज होगा कि क्लैरिटी आएगी? एक सवाल के तीन जवाब आए तो अपने मन में कंफ्यूज आएगा कि क्लैरिटी आएगी? और गंधर्व ने एक सवाल के तीन जवाब सुनकर के उनको क्या हो गया, क्लियर हो गए, बिल्कुल पूरे क्लियर हो गए। इनको कहते हैं मातृ का पद। इनको क्या कहते हैं? मातृ का पद। पूरे आगम का, पूरी साधना का, पूरे चरित्र का, पूरी आराधना का, पूरे तत्व ज्ञान का, पूरे नॉलेज की ये माता है। मातृ का पद यानी माता के स्थान पर है। इन तीन तत्वों में से ही सारा दर्शन, सारी फिलॉसफी, सारा ज्ञान, सभी साधना, समाधि इसी में से जन्मती है। ये तीन तत्व को मातृ का पद कहा गया। अ
पर इस मातृ का पद को अपने को ग्रहण करना है। क्या करना है? अपने को ग्रहण करना है। समझ में आए तो भी क्या कहना है, जन्म में मरण है, मरण में जन्म है। भगवती सूत्र में एक सवाल पूछा गया कि नरक में कौन जाता है, नारकी नरक में जाता है, ये जो नारकी नहीं वो नरक में जाता है, नारकी नहीं वो नरक में जाता है, लेकिन भगवती सूत्र कहते हैं जो नारकी होता है वही नरक में जाता है। नेरिये नेरिये सु उपजेगी, नेरिये नेरिये सु उपजेगी। मैं ये वाक्य इसलिए लिया आपके सामने कि आपको ये तीन तत्व तो समझ में आने चाहिए। उसका मनुष्य भव का आयुष्य पूरा होगा, उसी पल उसका नरक का आयुष्य चालू हो गया। अब मनुष्य भव का आयुष्य कहाँ पूरा हो गया, तो नरक का आयुष्य कहाँ शुरू हो गया? तो जब वो नरक में पहुंचेगा तब क्या बनकर के पहुंचेगा? नारकी बनकर पहुंचेगा। मनुष्य भव में नरक का आयुष्य बंधा है ना? नरक का आयुष्य कब बनता है? प्रश्न क्या था, नरक में कौन जाता है, और अपना उत्तर क्या था कि नरक का आयुष्य कौन बांधता है? नरक का आयुष्य नारकी नहीं बांधता है। नरक का आयुष्य कौन बांधेगा? जो नारकी नहीं है वही नरक का आयुष्य बांधेगा। जो जो नहीं है, जो जो नहीं है वही उसका बंद करता है, जो जो है वो उसका बंध नहीं करता है। वहां पहुंचते समय वो कौन रहेगा? नरक में प्रवेश किसको मिलेगा? नारकी को ही मिलेगा। वहां मनुष्य को प्रवेश नहीं मिलेगा। देवलोक में प्रवेश किसको मिलेगा? देवता को ही मिलेगा। यहां मनुष्य है वो, कहां मनुष्य है? मरने के पहले मनुष्य है। मरते ही मनुष्य भव का आयुष्य, और कौन सा आयुष्य शुरू हो गया उसका, उसको कहते देवानुपूर्वी। उतना डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं मैं आपको, लेकिन केवल बता रहा हूं कि जन्म में मरण है, मरण में जिस पल आयुष्य एक का पूरा होता है उसी पल दूसरे भव का आयुष्य शुरू होता है। बीच में कोई गैप, समझोगे इस बात को? इस तत्व को यदि स्वीकार तो बहुत सारी गलत फहमियां दूर हो जाएगी तुम्हारी। कई लोग कहते कि वो बेसमय में मौत हो गई ना, तुरी आत्मा भटक रही है, उन्हें चैन नहीं मिल रही है, वो भूत बनने घूम रही है। और ये तीन तत्व यदि आपके ग्रहण कर लिए तो आप क्या कहोगे, नहीं वो भटकने का सवाल नहीं, यहाँ का आयुष्य पूरा हो गया तो अगला आयुष्य शुरू हो गया है। आपका उदाहरण दो, किस समय बेटी बहू बनती है? बेटी और बहू बनना एक पल में होता है कि पहले बेटी नहीं रहती है, थोड़ा समय ऐसा ही चला जाता है, फिर बहू बनती है। इधर बेटी, उसी पल में बहू, कन्यादान होते ही एक ही पल में, वो दो पल में नहीं है। तो जन्म के पल में मरण है, मरण के पल में, और दोनों ही पल किस में है? जीवन में। सुख में दुख है, दुख में सुख है, सम्मान में अपमान है, अपमान में सम्मान है, तिरस्कार में सत्कार है, सत्कार में तिरस्कार है, स्वीकार में अस्वीकार है, अस्वीकार में स्वीकार है। अपने को दोनों कैसे लगते हैं? सम्मान करने वाला आपका अपमान करता है कि सम्मान करता है? सम्मान के समय में अपमान महसूस हो जाए तो सम्मान की खुशी, और अपमान के समय में सम्मान का बोध हो जाए तो अपमान का दर्द। ये दोनों एक साथ है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? जो सम्मान कर रहा है उसी समय अपमान कर रहा है, जो अपमान कर रहा है उसी समय सम्मान कर रहा है।
दोनों अलग अलग है ही नहीं। ये यदि समझ में आ गया तो राग द्वेष कितना कम हो जाएगा, प्रतिक्रिया कितनी कम हो जाएगी। इसलिए तत्व को ग्रहण करना है, क्या करना है ये बात पक्की याद रख लेना है कि सत्कार के पलों में ही तिरस्कार का बीज बोया जाता है, प्रेम के पलों में ही नफरत का बीज बोया जाता है, नफरत के पलों में ही प्रेम का बीज बोया जाता है। सूर्यकांता रानी राजा प्रदेशी से प्यार बहुत करती थी, उतना प्यार नहीं करती तो राजा प्रदेशी उससे उदासीन होने के बाद उससे नफरत कर पाते? नफरत क्यों कर पाई, पहले प्यार बहुत ज्यादा था। जितना प्यार ज्यादा होगा उतनी नफरत ज्यादा होगी। ये गणित ऐसा ही चलना है, कंटिन्यू गणित ऐसा ही चलना है। और इस तत्व को यदि आपने स्वीकार कर लिया कि जिस समय प्यार है उस समय नफरत की तैयारी रखी, जिस समय नफरत है उस समय प्यार की तैयारी रखिए। दोनों कैसे हैं, एक साथ है अलग अलग है। ये सिरा और ये सिरा दोनों एक साथ है कि अलग अलग है? इसके बिना ये हो सकता है, इसके बिना ये हो सकता है? नहीं। दोनों कैसे हैं, वैसे जन्म मरण कैसे हैं, एक साथ है। इस तत्व को आज आपने ग्रहण करना है। गंधर्वों को सबसे पहले कौन सा तत्व दिया जाता था, यह तत्व कि मृत्यु के पल में जीव जन्म है, जन्म के पल में मृत्यु है, और दोनों ही जीवन में है, दोनों अलग नहीं है। अपने दिमाग में बैठा हुआ है कि ये अलग है वो अलग है, और जन्म और मरण के बीच में जीवन है, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन परमात्मा क्या कह रहे हैं आपसे, तीनों एक साथ एक पल में, एक पल में तीनों है। और इन तीनों को एक पल में आप ग्रहण करोगे, तीनों को एक पल में महसूस करोगे, इसलिए दत्तात्रेय के तीन चेहरे होते हैं। कितने? तीन चेहरे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने पास दो आंख है, कितनी आंख है? तीसरी आंख खुलनी चाहिए। कौन सी आंख खुलनी चाहिए? एक आंख जन्म की, एक आंख मरण की, दूसरी आंख जीवन की खुलनी चाहिए। अपना ने फक्त जन्म मरण दिखते रहे, जीवन नहीं दिखता है। और जीवन के साथ जन्म मरण दिखे तो जन्म की खुशी नहीं, मरण का दर्द नहीं। दर्द क्यों होता है, दर्द क्यों होता है कि मरण के पल में अपन जन्म देख नहीं पाते। आप बोलते हो ना, कोई व्यक्ति कहाँ गया मर करके, वो देवलोक में गए थे, फिर वो क्यों पीछे? यहाँ छोड़ के गया, लेकिन वो तो अच्छी जगह गया ना। तो कोई आपका प्रेमी व्यक्ति यहां से ज्यादा सुख में जाए तो आपने खुशी मनानी चाहिए, दुख मनाना चाहिए? वो तो फिर हो गया ना। लारा ने दुखी करियो कि लारा दुखी हो गया? उन्हें नहीं करियो दुखी है ना, ये दुखी नहीं करिया। नमी राजर्षि को यही पूछा था इंद्रभूति इंद्र ने कि मिथिला बहुत रो रही, बोले बहुत दुखी हो गई, बोले तो नमी राजा ने जवाब दिया कि बहुत बढ़िया पेड़ था, बहुत सुंदर पेड़ था, मनोरम पेड़ था, फल फूल पत्ते सब लगे हुए थे और बढ़िया पेड़ था, तो सारे पंछी उसके शरण में
रहते थे, सबने उस पर घोंसला बना के रखा था, सारे उसके आश्रय में रहते थे। एक दिन तूफान आया और पेड़ गिर गया। अभी पंछी कब तक रोएंगे? थोड़ी देर रोएंगे, बोले दूसरे पेड़ के पास निकल जाएंगे। आपका प्यार पंछी जैसा है कि मछली जैसा है? पूछो मेहता ने, मछली का प्यार कैसा होता है? पानी चला गया तो वो दूसरे तालाब में नहीं जाती, वो वही तड़प के मरती है। और पंछी क्या करते हैं? और वापस पुराना पेड़ याद आता है उनको? नहीं आता है। आपका प्रेम ऐसा ही, ऐसा ही प्रेम है। इंद्रभूति गौतम का प्रेम महावीर के साथ ऐसा नहीं था, सुलसा का प्रेम ऐसा नहीं था। महावीर चले गए तो दूसरे महावीर इंद्रभूति गौतम ने खोजे नहीं, दूसरे महावीर के शरण में वो गए नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो चला गया दूसरा पकड़ लो, वो वही रहे। और ये वही रहने का सूत्र है कि जहां जन्म है वहां मरण है, जहां जन्म मरण है वहीं पर जीवन है। इन तीनों को एक साथ महसूस करना है तब जाकर के संकेत होती है। संकेत कब होती है? इन तीनों को एक साथ ग्रहण करना है, जन्म में मरण को ग्रहण करना, मरण में जन्म को ग्रहण करना, नाफे में नुकसान को ग्रहण करना, नुकसान में नफे को ग्रहण करना है। जितनी विरोधी बातें हैं उनको एक साथ देख लो। कोई आया है वो जाएगा, आया है उस समय जाना देख लो, गया उस समय आना देख लो, तो जाने का दुख नहीं होगा और आने का ज्यादा उन्माद में नहीं आओगे, ज्यादा मस्ती में नहीं आओगे। हाँ, तो यही तीन तत्व है। इस तत्व को ग्रहण करना है कि खाली जगह कहीं पर भी नहीं है, नो वैक्यूम, शून्य कहीं पर भी नहीं। अपने को लगता है शून्य हो गया, शून्य कहीं पर भी नहीं होता है, खाली जगह कहीं है ही नहीं। खाली जगह जहां पर है वो अलोकाकाश है, उसमें अपना रहने का कोई जगह ही नहीं। अपन कहां पर है? लोकाकाश में। लोकाकाश कैसा है? पूरा भरा हुआ है, खचा खच भरा हुआ है, एक परमाणु जितने भी जगह खाली है, नहीं है, कोई खाली जगह रहती ही नहीं। यहां पर कहीं पर बीच में खंड है ही नहीं। इस अखंडता को देखोगे तब जाकर के संकेत आएगी। इसलिए इस तत्व को ग्रहण करना है। बोलेंगे एक बार, उपनिवा विगमेवा धुवेवा, उत्पन्न होता है, चला जाता है और कायम रहता है। उत्पन्न भी होता है, चला भी जाता है और कायम भी रहता है। अभी दो तीन बातों को एक साथ बैठा लो, यहां नहीं बैठते तो यहां, यहां नहीं बैठती हो तो यहां बैठा लो, यहां बैठा लोगे तो काम हो जाएगा, यहां बैठा लोगे पक्का काम हो जाएगा। यहां उसका बीज बो लीजिए, शिव पद तरु बीजम बोधि बीजम ददातु। बोलेंगे शिव पद तरु बीजम बोधि बीजम ददातु, शिव पद तरु बीज बोधि बीजम ददातु। शब्द समझ में आए नहीं आए? शिव पद तरु बीजम बोलिए,
बोधि बीजम ददातु शिव पद तरु बीजम, बोधि बीजम ददातु शिव पद तरु बीजम, बोधि बीजम ददातु शिव पद तरु बीजम, बोधि बीजम ददातु। कल्याण का बीज दो, कल्याण का बीज दो, समझदारी का बीज दो। हम लोग समझदारी मांगते हैं और भक्त क्या मांगता है? उसका बीज मांगता है, बीज। और बीज आ गया तो बाकी काम में मेरा हो जाएगा। एक बीज मिलेगा तो कितने फल मिलेंगे, और एक फल मिलेगा तो कितने फल मिलेंगे? और बीज मिल गया तो आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? फल चाहिए, बीज चाहिए, आपको क्या चाहिए? मैं वापस पूछ रहा हूं, पक्को पक्का? तिरुपति जाने वाले बीज मांगते हैं, फल मांगते हैं? अपने काम का आप रिजल्ट मांगते हो, बीज मांगते हो? रिजल्ट मांगते, बीज नहीं मांगते। ये संसार है जो फल मांगता है, और संकेत जब शुरू होते तो बीज मांगता है। तो आज का पहला सूत्र आपके पास है तत्व ग्रहण का, कि मैं बीज को मांगूंगा, फल को नहीं मांगूंगा। ये तीन बीज हैं, पूरे संकेत के तीन बीज हैं, इनको ग्रहण करिए। कि जन्म में मरण है, मरण में, और जन्म और मरण में जीवन है। जन्म में भी जीवन है और मरण में भी जीवन है, और जिसने मरण में जी लिया उसको समाधि है, और जो मरण में मर गया उसको मृत्यु की पीड़ा है। जिसने देख लिया कि मरण में भी जिंदा हूं उसको मरने की पीड़ा नहीं होगी, और जिसने देख लिया कि मरने में मैं मर ही रहा हूं, मरते समय उसको जीवन दिखा नहीं तो पीड़ा तो होनी होनी, पक्की होनी। पर कई उसने तीन तत्व को समझ लिया कि नहीं, मैं मर नहीं रहा हूं, मरण में भी क्या है, जीवन है। मरण में जीवन का एहसास हो गया तो मृत्यु की पीड़ा नहीं होती। इसलिए जो संलेखना लेते या जो इस तत्व को जानते हैं, अब आपको सारी कहानियां समझ में आ जाएगी। धर्म रुचि अनगार जानता है कि जहरीला है, गोत्री गया है, नागश्री ने जहरीली सब्जी, कड़वे तुम्बे की जहरीली सब्जी उनके पात्रे में पूरी बिरा दी, लेकर के गुरु के पास आया है। गुरु को बिना बताए ग्रहण करने का विधान नहीं है। आप भी एक विधान घर में शुरू करो कि बड़ों को बताए बिना किसी को ग्रहण नहीं करना है। कुछ भी मिला है तो पहले बड़ों को बताना है, और गुरु को बताने गए तो गुरु ने कहा कि भैया ये खाने योग्य नहीं है, ये खाएगा तो तू मर जाएगा, इसको ऐसी जगह पर छोड़ के आ जा, डाल के आ जा कि कोई जीव मरे नहीं। दूर जंगल में गया और एक बूंद नीचे डाली, देख करके यहां कोई जीव नहीं है। एक बूंद नीचे डाल करके देखा वहां कोई जीव था नहीं, लेकिन सब्जी इतनी सुगंधित थी, इतनी स्मेल थी उसमें,
कि एक बूंद डालते ही सारी आसपास की जितनी चिटिया थी सारी आ गई वहां पर, और जो भी वहां पर आ गई वो मर गई। ऐसे समय में वो उस पूरे जहरीले सब्जी से भरे हुए पात्र को कहाँ डालता है, किस आधार पर, किस आधार पर? मरण में जीवन है, मरण में मेरा शरीर मरेगा, मैं मरने वाला नथी, जीवस नासोति, मेरे जीव का नाश होने वाला नहीं है। मैं मरण में जीवन देख सकता हूं, ये चींटियां मरण में जीवन नहीं देख सकती है। इनको यदि मरण मिलेगा तो पीड़ा होगी, मुझे मरण होगा तो पीड़ा नहीं होगी, क्यों, मुझे मरण में जीवन पता है। जिसको मरण में जीवन पता होता उसको मरने की पीड़ा नहीं होती, जिसको मरण में जीवन पता नहीं होता उसको पीड़ा हुए बिना रहते नहीं। इन चींटियों को पता नहीं कि मरण में जीवन है, ये तो दुखी हो जाएगी। मुझे पता है कि मरण में जीवन है, इसलिए उसने स्वीकार कर लिया, इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं गई। और यदि ये तत्व उसके पास नहीं होता तो, यदि मुझे ये पता ना हो कि मैं मरने में जिंदा रहूंगा तो मैं दूसरों को मरने से बचा पाऊंगा, मैं क्या देखूंगा, नहीं मुझे जिंदा रहना, ये मरे तो चलेगा। लेकिन मुझे पता हो कि मैं मरता नहीं हूं तो अपने मरण से बचने के लिए मैं किसी को मारने का प्रयास करूंगा क्या है? कैसे अहिंसा का जन्म होता है, कैसे क्षमा का जन्म होता है, कैसे श्रद्धा का जन्म होता है, कैसे सहयोग का जन्म होता है, कैसे विरोध करने वाले के प्रति भी प्रेम का भाव जन्मता है कि ये विरोध कर रहा है, नहीं ये अनुरोध कर रहा है। विरोध में आपको क्या लगता है, अनुरोध लगता है कि विरोध लगता है? विरोध में कहीं लागे, विरोधस लागे, लेकिन विरोध में अनुरोध छिपा हुआ है। कोई इस रास्ते पर जाने के लिए तुमको विरोध कर रहा है, वो अनुरोध कर रहा है कि दूसरे रास्ते से जाओ, वो क्या प्रार्थना कर रहा है, इस रास्ते से मत जाओ, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे रास्ते से जाओ। लेकिन आपको एक ही वाक्य सुनाई देता है, इसलिए आप क्या देखते हैं उसमें, विरोध देखते हैं। और यदि आपको एक वाक्य समझ में आ गए कि इधर से जाने का मना कर रहा है, इसका मतलब दूसरे से दूसरे तरफ जाने की प्रेरणा दे रहा है। नाक दबाने के बाद मरने की परमिशन है कि मुंह खोलने की प्रेरणा है? नाक दबाने के बाद जो व्यक्ति तुम्हारा नाक दबाता है, जिसकी क्या, हमारे उधर दांत खिड़ी कहते हैं, दांत बैठ गए उसके, बत्तीसी बैठ गई, जाम हो गई, तो क्या करते हैं लोग, क्या दबाते हैं, किस लिए दबाते हैं, मुंह खोलने के लिए। नाक दबाएगा तो मुंह खोलेगा, नाक नहीं दबाएगा तो मुंह नहीं खुलेगा। तो जो दबाता है वो दबाता है कि खुला करता है, आपको क्या लगता है, वो दबा रहा है। और दबाने में भी खुलेपन का एहसास हो जाए तो दबाने वाले के प्रति वैर भाव आएगा क्या? ये तत्व है, उपनिवा विगमेवा धुवेवा, दबा रहा है खोल रहा है, खोल रहा वो दबा रहा है। इसको पक्का पकड़ लो आज, ये तत्व की बात शुरू हो गई और इसको पक्का पकड़ लो, ये बहुत काम में आता है जिंदगी में, बहुत काम में आता है, बहुत काम में आता है, बहुत काम में आता है। जो विरोध कर रहा है वो क्या कर रहा है, अनुरोध कर रहा है। जो अनुरोध कर रहा है वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। माँ बाप के और बच्चे के बीच में झगड़े कैसे शुरू होते हैं, माँ बाप उन्हें कह के ईसो कर, ईसो कर, मारी बात मान, मारी बात मान, मुझे किन बात पर विरोध कर रहा है,
उन्हें दूजी कंचाउन ने दे दिया। अनुरोध में विरोध है और विरोध में अनुरोध है, मृत्यु में जन्म है और जन्म में मृत्यु है, पकड़ लो इसको। और यदि विरोध में अनुरोध देख पाए तो विरोध की पीड़ा नहीं होगी। ये राम देख पाया है, राम देख पाया है। ये अयोध्या का राज नहीं दे रही है, इस राज्याभिषेक से मुझे दूर कर रही है, इसका मतलब दूसरा राज्याभिषेक, दूसरा राज रास्ता खुलेगा। और ये रास्ता खुलता हुआ नजर आ जाए तो कई कई के प्रति गुस्सा नहीं आता है। राजा प्रदेशी को पता चला कि सूर्यकांता रानी ने जहर दिया है, गुस्सा आया, क्यों नहीं आया? उनको पता था कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मेरे मरण में ही मेरी साधना जिंदगी सुरक्षित है। इसने जहर दिया तो भी मैं मरने वाला नहीं हूं, यदि पता रहता कि जहर देने के बाद मर जाऊंगा तो गुस्सा करे बिना रेव तो गए नहीं। क्यों गुस्सा नहीं कर पाए और क्यों गुस्सा करते हैं? छिपा हुआ सत्य पता नहीं चलता है तब गुस्सा होता है, और छिपा हुआ सत्य पता चल जाए तो गुस्सा नहीं होता है। ये छिपा हुआ सत्य है, और तत्व उसी को कहते हैं जो छिपा हुआ होता है। तत्व का अर्थ क्या है? रहस्य। आप पूछे ना, आपके हमें तत्व कही है, इसमें रहस्य क्या, इसमें छिपा हुआ क्या? जो छिपा हुआ होता है उसको तत्व कहते हैं, और जो खुला हुआ होता है उसको तत्व नहीं कहते। तो समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आए तो भी क्या करना है? ग्रहण करना है ना। संकेत समझने से नहीं आएगी, संकेत किससे आएगी? ग्रहण करने से। पोषण किससे होगा? ग्रहण करने से। खाना खाने से भूख मरेगी, पानी पीने से प्यास बुझेगी, पानी को जानने से प्यास बुझने वाली है। तो संकेत का पूरा जोर इस बात पर है कि आप ग्रहण करो, ग्रहण करो। और एक बार ग्रहण हो गया तो फिर उसकी क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टी, उसके रिजल्ट अपने आप पता चलेंगे। लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि पहले बताओ, पहले बताओ, और पहले पूरा बताया नहीं जा सकता है। और पहले बताएंगे तो मन उसी में उलझ जाएगा, मन उतना ही देखेगा, और पूरा कभी बताया नहीं जा सकता है। बताया कितना जाएगा, मन बाकी का सारा कैसा रहेगा? और वो यदि आपको पूरा कब पता चलेगा, तो क्या करना है? अब आपको बोलिए, ग्रहण करना है या जानना है? ग्रहण करते चले जाओ, ग्रहण करते चले। इसको पक्का दिमाग में बैठा लो कि पहले तीन तत्व आज आपके पास है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्, उपन्न वा विगमे वा धोवे वा, ये मातृ का पद है। क्या है? जिन शासन का मूलभूत सूत्र है, पूरे समाधि का मूलभूत मंत्र है। मातृ का पद यानी माँ, मातृ का यानी माँ। ये समाधि की माँ है, ये साधना की माँ है, ये ज्ञान की माँ है, ये जीवन की माँ है, सत्य की माँ है। और इस माँ को स्वीकार कर लो, इस मातृ का पद को स्वीकार कर लो। वापस पुनः बात रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्लास है, बखाने इसलिए रिपीट कर रहा हूं। गंधर्व तीर्थंकर परमात्मा के पास पहुंचते हैं, दीक्षा लेते हैं, पहले दीक्षा लेते हैं फिर सवाल पूछते हैं। सवाल कब पूछते हैं? दीक्षा लेने के बाद सवाल पूछते हैं। आप सवाल कब पूछते हो? आपके यहां शिक्षा के बाद दीक्षा है, और परमात्मा के पास दीक्षा के बाद शिक्षा है। ससुराल जाने के बाद शादी की, शादी के बाद ससुराल। बोलो, थाने पूछ रही हो,
शादी के बाद ससुराल, शादी क्या है? दीक्षा है। दीक्षा के बाद वो सवाल पूछते हैं, दीक्षा के पहले सवाल नहीं पूछते, दीक्षा के बाद सवाल पूछते हैं। किम तत्तम, क्या सत्य? पहली बार पूछा तो परमात्मा ने फरमाया कि जन्म सत्य है, उत्पत्ति सत्य है, निर्माण करना सत्य है, प्रोडक्शन सत्य है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रूथ, कंस्ट्रक्शन इज ट्रूथ। दूसरी बार वापस पूछा किम तत्तम, विनाश सत्य, समाप्त होना सत्य, मृत्यु सत्य, डिमोलिश होना सत्य। तीसरी बार फिर पूछा किम तत्तम, बोले ना जन्म सत्य ना मरण सत्य, जीवन सत्य। कि जीवन में ही जन्म मरण है, बिना जीवन के जन्म मरण किसका होगा? जीवन में ही जन्म मरण होगा ना, जीवन नहीं रहेगा तो जन्म मरण कहाँ रहेगा? और जीवन है तो जन्म और मरण क्या है? अस्तित्व नहीं है। तो जन्मम दुखम जरा दुखम किसके लिए? और यदि आपने जीवन को देख लिया तो जन्म का दुख मरण का दुख नहीं होता। इसलिए तीर्थंकर की चेतना जब जन्म लेती तब उनको दुख नहीं होता है। सुहम सुहेन पसुई, सुख पूर्वक प्रसव होता है, कोई परेशानी होती नहीं। कान में केले ठोके गए, कान में केले ठोके गए, परमात्मा ने रोका नहीं। सुमिल ब्राह्मण ने आकर के धधकते हुए अंगारे रख दिए, गस कुमार ने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? मरण में जीवन है। ये मेरे सिर पर अंगारे रख सकता है लेकिन मैं मरने वाला नहीं। इस बोध को यदि अंदर में पहुंच गया तो जीवन में शांति ही शांति आ जाएगी। ये भी जाने वाला है, ये भी जाने वाला है, सुख भी दुख भी। ना सुख शाश्वत है ना दुख शाश्वत है, मैं शाश्वत हूं। ये भी चला जाएगा, ये भी चला। बीमारी आई है, बीमारी कोई बीमारी नहीं। ये तो आपकी नया साइंस कहता है कि डायबिटीज की बीमारी जाती नहीं है, आती है लेकिन जाती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जाती है। आप पकड़ के रखोगे तो नहीं जाएगी, आप पकड़ के रखोगे तो नहीं जाएगी। आप करिए ना, आठ ही करिए ना, डायबिटीज में करिए ना, फिर डायबिटीज वाला आठ ही कैसे करेगा? डॉक्टर तो अलाउ नहीं करेगा, लेकिन करिए। आपने कैसे करी थी मालूम नहीं, हो गई इतना मालूम नहीं ना। आपने क्या कर लिया? पचकान ग्रहण कर लिया, हो गई। यदि पूरा पूछते मार साहब तपस्या में डायबिटीज किसी ठीक हुई ला, कई हुई ला, कई हुई ला, कई हुई ला, तो तपस्या कर पाते? तपस्या को ग्रहण कर लिया तो तपस्या हो गई, ग्रहण नहीं करते तो तपस्या नहीं होती। इसलिए पहला सूत्र पक्का याद रखो, क्या करना है अपने को? ग्रहण करना है। ज्यादा माथा पच्ची मत कर जो, मैं माथा पच्ची करते रही लगते मत कर जो ना, थे कहीं करना, फक्त ग्रहण करता जाओ, खाता जाओ, पीता जाओ। अरे खाने से बड़ा बनोला, पीने से शांत हो जाओगे, केवल उससे नहीं होगा। तो आज का पहला तत्व ग्रहण कर लीजिए कि जन्म में मरण है, मरण में और दोनों में, जीवन में जन्म है, जीवन में मरण है, मरण में जीवन है, जन्म में जीवन है, ये तीनों अलग है ही नहीं। तीनों कैसे? सोने का आकार बदला, सोने का क्या बदला? आकार बदला, सोना तो
तो आकार बदलने वाला रोएगा क्या? जिसको पता है कि सोना तो ही है, आकार जाने से सोना गया तो मरण जाने से जीवन गया नहीं, जीवन तो है। ये पता चल जाए तो अर्थ ध्यान रो ध्यान। इसलिए कहते कि पहले संकेत की आराधना कर लो, पहले संकेत को ग्रहण कर लो। और संकेत को ग्रहण करने का आज का पहला सूत्र आपके पास पहुंचा है, कुछ पूछना हो तो पूछो। थोड़ा नया सब्जेक्ट है, मनुष्य ने पूछने का चांस कम रहे नहीं कहीं, लेकिन फिर भी कहीं जानकार है पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं आराम से। रिकॉर्डिंग ले लीजिए, सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग ले लीजिए, सुन लीजिए। समझा नहीं? ओके, अभी समझ लिया। बीज मरेगा तो पौधा जन्मेगा, बीज के मरे बिना पौधा जन्म सकता? कोई कहेगा कि नहीं, बीज को मरने नहीं देना है और पौधे का निर्माण करना है, दोनों एक साथ हो सकते हैं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, बिना खोए कुछ मिलता? पीहर को खोएगी तो ससुराल को पाएगी। वो कहेगी मैं पीहर को भी नहीं छोड़ती और ससुराल को भी पकड़ती तो ससुराल मिलने वाला, और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है? वह ससुराल जाने भी पीहर ने पकड़ने रखे। अब चेन्नई बेचते हुए मैं महाराष्ट्र को पकड़ करके बैठू तो चेन्नई को मैं अटेंड नहीं कर सकता, चेन्नई को एंजॉय कब कर सकता हूं मैं जब महाराष्ट्र को छोड़ दू कहां से? नहीं तो कदम कदम पर तुलना करते रहे, अरे महाराष्ट्र में ईश्वर्य तो, अरे महाराष्ट्र में ईश्वर्य तो, अरे महाराष्ट्र में ईश्वर्य तो, अरे महाराष्ट्र में ईश्वर्य तो चेन्नई रो आनंद नहीं आ सकता। पकड़ना है तो छोड़ना पड़ेगा, बिना छोड़े पकड़ सकते नहीं है। और ये दोनों कैसे होते हैं? एक साथ होते हैं। इधर पकड़ा उधर छोड़ा, उधर छोड़ा इधर पकड़ा, एक ही पल में होते, दो पल में नहीं होते, एक ही पल में होते। ये जन्म मरण का सत्य है, जीवन का सत्य है। इसलिए समझ में आए न आए, एक बात को पक्का याद रखो कि दुख में सुख है, सुख में दुख है, अपमान में सम्मान है, सम्मान में तिरस्कार में सत्कार है, सत्कार में विरोध में अनुरोध है, अनुरोध में स्वाधीनता में गुलामी है, गुलामी में शब्द देखो ना कैसा है, अधीन। अधीन होना मतलब क्या है? स्वयं का गुलाम हो गया तो स्वाधीन हो गया, दूसरे का गुलाम हो गया तो पराधीन हो गया। स्वयं का गुलाम हो गया तो स्वाधीन हो गया, दूसरे का गुलाम हो गया तो पराधीन हो गया। एक राजा ने जाकर के एक सन्यासी से कहा कि धन्य आपने इतना कुछ, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, आप बहुत त्यागी हो। तो सन्यासी ने उसको कहा कि मेरे से ज्यादा त्यागी तुम हो, मेरे से ज्यादा त्यागी तुम हो। बोले कैसे, मैंने क्या छोड़ा है? मैं आपसे पूछूं, आपने ज्यादा छोड़ा कि मैंने ज्यादा छोड़ा? था नहीं पूछ रही हूं मैं, थे ज्यादा त्याग करियो कि मैं ज्यादा त्याग करियो? अरे थे त्याग करियो भैया, एक घर का लारे हजारों घरों रो त्याग करियो थे, एक घर की रोटी खाने के लिए हजारों घर की रोटी छोड़ दी तुमने, एक घर में रहने के लिए हजारों घर छोड़ दिए तुमने। हमने एक घर छोड़ दिया और हजारों घर में रहने लगे। किसने ज्यादा त्याग किया? ठीक है ना, त्यागी हो,
एक 10x10 के रूम के लिए तुम इतना बड़ा स्थानक छोड़ देते हो। बराबर है, तो त्यागी थे ज्यादा। राजा को यही सन्यासी ने कहा कि तूने तो क्या छोड़ा, तूने भगवान को छोड़ दिया, भगवान की सारी दुनिया छोड़ दी, हमने तो क्या छोड़ा, जो छूटने ही वाला था वो छोड़ दिया, जो छूटने ही वाला था छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ता तो मेरे से कोई छीन लेता, तो छीने उसके पहले छोड़ दिया और उसके बदले में इतना मिला है। अरे थाने कोई सुने, घर में एक घंटा थाने कोई सुने, घर में बैठने सुना बोला थे कि नहीं व्याख्यान कोई सुने, देखो माने सुनो नहीं इतना लोग आ कम खोया ज्यादा पाया, कम खोया थे ज्यादा खोया, हम फिर भी थे खुश रहे, वो कई समझदार लोग हो यार, है ना। तो ये अब आ गए समझ में, समझ में आ गए हो नहीं कहे तो ग्रहण कर लो, ठीक है ना, ग्रहण कर लो। कितनी बार ससुराल गए हो शिला, तने चेन्नई तक छोड़ने को ना आयो, कितनी बार ससुराल गए हो शिला, तने चेन्नई तक छोड़ने को आए, बारना तक आए ने सिख देने रवाना कर दिया हो शिला। मैंने छोड़न कट तक आए थे, तो कौन ज्यादा नुकसान में है, कौन ज्यादा फायदा में है, मैं फायदा में आते नुकसान में हो ना, इसको देखो। तो जन्म में मरण, मरण में और मरण में भी जीवन और जन्म में भी एक बार फिर उस मातृ का पद को याद करेंगे, उसको पक्का याद रखेंगे। ये जिनेश्वर के तीन तत्व उपनेय वा विगमेय वा धुवेय वा, उत्पन्न होता है, चला जाता है और बना रहता है, ये ट्रिनिटी है, जैनिज्म की ट्रिनिटी है। बस अनंत मंगल, अगला टाइम हो चुका है, मंगल पाठ। चतारी मंगलम, मरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम मंगलम। चतारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चतारी सनम पवज्जामि, अरिहंते सनम पवज्जामि, सिद्धे सनम पवज्जामि, साहू सनम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम सनम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण, दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई, जो भवे प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदोय। मंगलाचरण के लिए खड़े रहेंगे। नमो हरि।